नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों। भोपाल, प्रदेश में कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा चौतरफा प्रयास किए जा रहे हैं। जहां एक ओर प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट युद्ध स्तर पर स्थापित किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्रालय के सहयोग से झारखंड के बोकारो एवं गुजरात के जामनगर स्थित ऑक्सीजन उत्पादों से ऑक्सीजन टैंकर एयरलिफ्ट कर इंदौर, भोपाल और ग्वालियर लाए जाएंगे। प्रायोगिक तौर पर इसकी शुरुआत हो चुकी है, जो सफल भी रही है। यह प्रक्रिया 24 अप्रैल से लेकर 1 मई तक भारतीय वायुसेना की उड़ानों के फेरों के माध्यम से लगातार जारी रहेगी। इससे मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन लाने की समयावधि को कम किया जा सकेगा। इसी प्रकार ऑक्सीजन की पर्याप्त और निर्बाध उपलब्धता के लिए परिवहन की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में बोकारो एवं राउरकेला से प्रदेश को सप्लाई होने वाली ऑक्सीजन की आपूर्ति रेलवे के माध्यम से कराए जाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट।